नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का संस्कृति मंत्री। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही ऑप्शन, कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल भाग में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 366, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 398। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 395। भारतीय मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन ने देश में पंचायतों के राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, तब से भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जहां संविधान का भाग 9 लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी झारखंड। अगला क्वेश्चन, राज्यों में विलुप्त विधायी परिषद बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ निहित है? ऑप्शन ए राज्य मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा परिषद के लिए सिफारिश करती है और संसद इसके लिए कानून बनाती है। ठीक है, वीडियो पॉज करके अब दोबारा पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, पारिवारिक न्यायालय को कौन तैयार करता है?
ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार। पारिवारिक न्यायालय को राज्य या केंद्र शासित राज्यों की सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया गया था। ऑप्शन ए एक नगर पालिका का संविधान और संरचना, ऑप्शन बी नगर पालिका में कार्मिक प्रणाली, ऑप्शन सी नगर पालिका और नौकरशाही के निर्वाचित सदस्यों या कार्यकारी के बीच संबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए एक नगर पालिका का संविधान और संरचना। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित संशोधन कार्यों में से किसमें संविधान में प्रशासनिक अधिकार को शामिल करने के लिए दो अनुच्छेद जोड़े गए थे। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 45वें संविधान संशोधन। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन। दो अनुच्छेद 223 और 223 बी जोड़े गए थे। चलिए ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन, कौन सी लोकसभा सर्वाधिक कम समय के लिए चली। ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 12वीं। 12वीं लोकसभा 10 मार्च 1998 से 17 अप्रैल 1999 तक 413 दिन चली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा निम्न में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस। मनुष्यों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य और कार्यकाल का वर्णन है? ऑप्शन ए 155, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 162, ऑप्शन डी 165। चलिए 10 सेकंड सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। ओके, देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी 165। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य और कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है, चलिए पूरे हुए आज के वीडियो के 10 क्वेश्चन। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।